दिल्ली परे एबे कांग्रेस एवं आप हरियाणा रे मध्य अलग हो जाइछंती। सूचना अनुसार हरियाणा विधानसभा निर्वाचन रे कांग्रेस एकाकी प्रतिद्वंदिता करबे बोली पूर्वतन सीएम तथा विरोधी दलर नेता भूपिंदर सिंह हुडा घोषणा करिछंती। यार गोटिए दिन पूर्वरु आप मध्य हरियाणा रे विधानसभा निर्वाचन रे प्रतिद्वंदिता करबा को निष्पत्ति नैथिला। तबे किछि दिन पूर्वे मिलित मेंटो भांगिबार सूचना दृश्यमान होइथिला जेतेबेले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुडा भारत गठन रे एक बड़ बिबृति देथि से कहिथिले जे आम आदमी पार्टी सह आमर मेंटो केवल लोकसभा निर्वाचन रे सीमित थिला। से कहिथिले कांग्रेस एकोटिया विधानसभा निर्वाचन रे लढिबा कु सक्षम आउ एही कारण रो कांग्रेस एकोटिया हरियाणा रे विधानसभा निर्वाचन लढिबो। आमको हरियाणा को बंचेबा को हेबो एवं एथिरे परिवर्तन आनिबा को पडिबो। तबे सेप्टेम्बर अक्टोबर रे 90 सदस्य विशिष्ट हरियाणा विधानसभा पई निर्वाचन घोषणा करा जिवो। हरियाणा विधानसभा रो कार्यकाल 3 नवंबर 2024 रे शेष होउछि। गत 10 वर्ष धरी हरियाणा रे बीजेपी सरकार अछि। अपरपक्षे 2024 विधानसभा निर्वाचन रे राज्यर 10 लोकसभा आसन मध्यरु 5 कांग्रेस एवं 5 बीजेपी दखल करिछि। एपरि परिस्थिति रे एथर विधानसभा लढेई कठिन होइ पारे बोली कहा जाइछि। एथि सहित लोकसभा निर्वाचन पूर्वरु बीजेपी एक बड परिवर्तन करि जेजेपी सह मेंटो भांगिछि एवं स्वाधीन प्रार्थीको सरकार चलाइबा विषयरे आलोचना करथिला। एहा सहित दल 9 वर्ष धरि राज्य शासन करथिबा मनोहर लाल खट्टरक स्थानरे नायब सिंह सैनीकु नूतन सीएम करथिला। ब्युरो रिपोर्ट दिनालिपि लाइव। दिनालिपि लाइव को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।